अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली सब खैरियत से मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो आज लोग जो है ना, आपको एक सरप्राइज़ मिला होगा कि आज मैंने जो है ना वो नाश्ते में जो है ना, आपको पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पराठा खाना, तो आज मैं पराठा नहीं खा रही हूँ। आज जो है ना मैंने चाय और रस्क जो है ना इसके साथ ही ब्रेकफास्ट अपना कंप्लीट कर लिया है, खा लिया है। और यहाँ पर जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि मैंने मीठी मीठी चाय की। अच्छा जी, ऑलरेडी जो थे ना वो रस्क बहुत ज़्यादा मीठे थे, लेकिन फिर भी जो है ना मुझे नहीं पता था कि ये इतने मीठे हैं। तो फिर मैंने चाय में भी चीनी ऐड की हुई थी तो वो बहुत ज़्यादा मीठे हो गए थे। तो इस तरह तो हो जाता है कभी कभी। और आज जो है ना मेरा पराठा खाने को ना बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, दिल कर रहा था कि कुछ डिफरेंट हो ना, कुछ जो है ना वो हल्का फुल्का हो। तो मैंने जो है ना हल्का फुल्का सा नाश्ता कर लिया है और यहाँ पर जो है ना मैंने फ्रिज खोले तो मुझे पता चला कि जी दही भले हैं, तो फिर मैंने दही भले भी खा लिए, बहुत ही ज़्यादा मज़े के लग रहे थे। और दही भले जो है ना वो मुझे मीठी चटनी के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, बाकी मेरे घर वाले जो है ना वो चटनी के साथ जो है ना वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं ज़रूर ऐड करती हूँ मीठी चटनी, और इतने मज़े के थे ना दही भले, बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, फिर इवनिंग का टाइम आ गया और यहाँ पर जो है ना हलवा मेरी सिस्टर जो है ना वो फिर से बनाया है, और सिस्टर ने बनाया जी मखंडी हलवा। ये बहुत ही ज़्यादा जो रबर टाइप जो है ना ये हलवा होता है, बहुत ज़्यादा ना ये थिक थिक होता है, तो इतना ये मज़े का लगता है और बहुत ज़्यादा ऑयली भी होता है। तो जिन लोगों को पसंद है ना, तो मैंने आपके साथ रेसिपी भी शेयर की थी अपने प्रीवियस व्लॉग में। तो अगर आपने मेरा दावत का व्लॉग नहीं देखा, अच्छा जी ज़रूरी नहीं है कि दावत की रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो कोई दावत ही होगी। ये मैंने वैसे ही आपके साथ एक दावत के मेन्यू के टाइप जो है ना वो रेसिपीज शेयर की हैं कि अगर आप कोई दावत वगैरह रेडी कर रहे हैं तो आप लोग भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना हमारे नेबर्स आ गए और जो है ना वो शादी हुई है हमारे नेबर में, तो उनकी बेटी जो है ना वो हमें मिलने आई। तो यहाँ पर मैं जो है ना मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक सर्व करूँगी और जो है ना हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बातें भी की, बहुत मज़ा आया। और इस तरह जो है ना वो छोटी सी गैदरिंग भी हो गई, यानी कि आंटी हमें मिलने आई और साथ में उनकी सिस्टर डॉटर भी आई, ठीक है। और उनकी जो है वो नई नई शादी हुई है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ना मज़ा आया। उसके बाद जो है ना फिर मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। तो आज मैं बनाने लगी हूँ जी आलू गोश्त, और आलू गोश्त जो है ना मैं काफ़ी टाइम के बाद बनाने लगी हूँ, और ज़्यादातर मैं आलू चिकन ही बनाती हूँ। और मुझे जो है ना वो आलू चिकन या आलू गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद है, दोनों ही फॉर्म में ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत शौक से जो है ना वो मैं आलू गोश्त बनाने लगी हूँ। तो किस किस को पसंद है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में जो है ना बताइएगा। अच्छा जी, आप लोगों के साथ एक अपना प्रॉब्लम भी शेयर करना है। आजकल मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्यों परेशान हूँ? इस वजह से परेशान हूँ कि मेरी, आपको पता है मेरी मामा की तबीयत ख़राब थी, और उस टाइम पीरियड में जो है ना वो मैंने व्लॉग्स जो है ना वो बनाना बंद कर दिए थे, बिल्कुल एक टोटली जो है ना वो बंद कर दिया था, स्टॉप हो गया था सब। और बस दिल उस टाइम ना करता ही नहीं था कि मैं ना कुछ बनाऊं, हालांकि मेरा बना सकती थी मैं व्लॉग्स वगैरह, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्लिप्स भी होते थे, लेकिन जो है ना वो मेरा बस जो है ना ना वॉइस ओवर करने को दिल करता था, ना ही मेरा जो है ना वो व्लॉग अपलोड करने को दिल करता था। तो मैंने 1 मंथ नहीं बनाया तब से लेकर ना, उससे पहले मेरे व्यूज़ काफ़ी अच्छे आते थे ना व्लॉग्स के, तो अब जो है ना वो व्यूज़ नहीं आ रहे। बहुत ज़्यादा जो है ना मैं परेशान हो जाती हूँ देख के कि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, तो फिर भी जो है ना मैं रेगुलर जो है, आपको पता है चाहे कुछ भी हो जाए, यानी कि मेरा दिल ना कर रहा हो, कोई परेशानी इस तरह की ना हो जैसे कि मम्मी बीमार थी, इस तरह की परेशानी ना हो, तो बाकी सब खैर है, अल्लाह का शुक्र है। बस जो है ना इस तरह की जब परेशानी हो ना, तब आपका कुछ भी करने को दिल नहीं करता, बस आपका ध्यान पूरा का पूरा जो है ना अपने पेरेंट्स में ही होता है। अगर आपके कोई पेरेंट्स में बीमार वगैरह हो तो आप लोग समझ सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँ कि फिर उस टाइम पर ना मेरा दिल नहीं करता था बनाने को ना बिल्कुल भी व्लॉग, और मैंने नहीं बनाया सिर्फ इस वजह से कि बस दिल परेशान था बहुत ज़्यादा इस वजह से। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों ने बहुत दुआएं की, आप लोगों का बहुत शुक्रिया अभी। तो उसके बाद वो ना मैंने 1 मंथ जो है ना आप लोगों को बताया कि नहीं बनाया व्लॉग, तो जो है ना काफ़ी ज़्यादा चैनल जो है ना वो डाउन हो गया। उससे पहले अच्छे व्यूज़ आते थे लेकिन अब व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। अच्छा, मैं जो है ना इतनी ज़्यादा स्ट्रगल भी करती हूँ, मुझे लगता है कि चले कोई बात नहीं, आज वीडियो जो है ना वो मेरी चल जाएगी, जो है ना आज अच्छे व्यूज़ आ जाएंगे, आज शायद वीडियो वायरल हो जाए। तो जो है ना मैं कभी कभी डिसअपॉइंट भी हो जाती हूँ कि इतनी मेहनत करती भी हूँ, और जब मैं दूसरे चैनल्स को जो है ना ओपन करके देखती हूँ तो उनका इतना कंटेंट भी नहीं होता,
कंटेंट भी बनाती हूँ, टॉपिक्स भी जो है ना अपने चेंज करती रहती हूँ। जैसे देखें, मैंने रेनोवेशन के व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर किए, और फिर जो है ना मैंने आपके साथ काफ़ी और व्लॉग्स भी मैं शेयर करती रहती हूँ। आउटिंग पे कहीं जाऊँ तो वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ, कहीं घूमने फिरने जाऊँ तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, आउट ऑफ सिटी वगैरह, ठीक है। लेकिन अब जो है ना नहीं आ रहे व्यूज़, तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जल्दी से जो है ना वो 1000 सब्सक्राइबर्स मेरे कंप्लीट करें। और इतने में जो है ना वो अगला दिन स्टार्ट हो गया, आपके साथ बातें करते करते ना नेक्स्ट डे जो है ना हमारा स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर जो है ना मैं मिक्स वेजिटेबल्स बना रही हूँ, और बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो मज़े की बनती है। मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है मिक्स वेजिटेबल की जो है ना सब्ज़ी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है उनको। तो यहाँ पर जो है ना वो दही जो है ना काफ़ी देखे थिक थिक बना हुआ है, और मेरा दिल कर रहा था कि शक्कर वाली दही खाने को, और इतना मुझे आजकल जो है ना वो क्रेज़ हुआ हुआ ना कि मैं शक्कर वाली दही लाजमी खाती हूँ, चाहे मैं इवनिंग में खाऊँ, चाहे नाइट में खाऊँ, या चाहे ब्रेकफास्ट में खाऊँ, तो ज़रूर जो है ना मैं खाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मज़े की लगती है और इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। अगर आप लोग नहीं लगाते शक्कर वाली दही तो आप ज़रूर खाया करें, शक्कर ऐड करके बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। तो बातें करते करते जो है ना आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे वीडियोस को जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दिया करें, ताकि दूसरे लोग भी देखें, ताकि मेरा व्यूज़ जो है ना वो व्लॉग्स के इंक्रीज़ हो जाएं, और जल्दी जल्दी जो है ना वो चैनल ग्रो हो जाए, ठीक है। अभी तो जो है ना वो चैनल जो है ना एकदम से स्टॉप हुआ हुआ है, लेकिन जो है ना वो इंक्रीज़ नहीं हो रहे व्यूज़ ना, तो इस वजह से जो है मैं परेशान हूँ। लेकिन आप लोग इतने अच्छे हैं ना कि आप लोग ज़रूर मेरी बात पर एक्ट अपॉन करेंगे, और ज़रूर जो है ना वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना मैं फिर आ गई धूप में, और आजकल इतनी तेज़ धूप है कि बैठा नहीं जाता ऐसे, जब किसी को सजा देनी हो ना तो इस धूप में खड़ा कर दें। बिल्कुल गर्मी वाली धूप हो गई है, और मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, तो अब तो जो है ना वो रात के टाइम पर ही दिल करता है कि ब्लैंकेट में जो है ना वो बैठा जाए, वैसे दिल नहीं करता। तो यहाँ पर जो है ना वो सारे स्पाइसेस वगैरह जो है ना मैंने ग्राइंड करने थे, तो यहाँ पर कोरिएंडर जो है ना वो ड्राई कोरिएंडर मैं उसको जो है ना अच्छे से क्लीन कर रही थी। उसके बाद जो मैं सारे इस मसाले जो है ना इस तरह से ग्राइंड कर लूँगी। आपको पता है रमज़ान आने वाला है, तो रमज़ान में भी इसी तरह मैं करती हूँ, मैं सारे के सारे मसाला जार जो है ना वो उनको अच्छे से पीस लेती हूँ, और फिर जो है ना मेरा आधे से ज़्यादा काम जो है ना वो ईजी हो जाता है। उस टाइम पर मुझे ना चीज़ों को जो है ना वो पीसना नहीं पड़ता, मसालों को इस तरह से पीसे हुए मैं रख लेती हूँ कंटेनर्स में ऐड करके, तो फिर जो है ना मेरा जब दिल करता है तो मैं ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना कुकिंग बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है करना, तो इस वजह से जो है ना मैं ज़्यादा टाइम मेरा है वो किचन में गुजरता है। तो मैं जो है ना वो देखती रहती हूँ कि किचन में क्या क्या चेंजिंग करने वाली है, और इस तरह से अब ना स्पाइसेस चेक करती रहती हूँ जो फिल करने वाले होते हैं वो ऐड कर लेती हूँ, पत्ती वगैरह नमक वगैरह, तो इस तरह से, और बाकी जो इस तरह से ग्राइंड करने वाली होती हैं चीज़ें तो वो सारी ग्राइंड कर लेती हूँ, जैसे कि ब्लैक पेपर, जैसे कि ड्राई कोरिएंडर, जैसे कि जी क्यूमिन सीड्स जो है ना, यानी कि जीरे को जो है ना वो मैं एज इट इज़ ही रहने देती हूँ, बहुत कम होता है कि उसको मैं दरदरा सा जो है ना वो पीस लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं रहने देती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना वो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो आज के व्लॉग में मेन मकसद ये था कि आपसे रिक्वेस्ट करना कि आप लोग जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखा करें, और देखें इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर की हैं, रेनोवेशन की भी आपके साथ, इतने होम डिकोर, रूम डिकोर, और बहुत सी मैनेजमेंट की भी जो है ना मैंने आपके साथ वीडियोस जो हैं वो शेयर की हैं। आप लोगों को काफ़ी सिखाने की कोशिश करती हूँ, तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरी वीडियो देख लें। तो यहाँ पर जो है ना मैं अपनी सिस्टर के साथ जो है ना वो आ गई हूँ जी रूम में, और इधर मैं खाऊंगी जी वेवी। अच्छा जी, मैंने एक चीज़ नोटिस की कि इस पैकेट के ऊपर ना लेस भी लिखा था, वेवी भी लिखा था, और इन्होंने शायद 2-in-1 जो है ना वो एक ही चीज़ पे लिख दी है, ठीक है। और मुझे दोनों ही बहुत पसंद है, चाहे वेवी हो चाहे लेस हो, तो मैं यहाँ पर वेवी जो है ना वो इन्जॉय करूँगी, ज़्यादा मुझे वेवी अच्छा लगता है, और यहाँ पर जो है ना वो साथ में बॉटल इन्जॉय करेंगे, और आपको टाटा बाय बाय कहेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें कर करके मैं थक गई हूँ। और आपने रखना अपना बहुत ख्याल, दुआओं में मुझे याद रखना है। इंशाल्लाह न्यू व्लॉग आएगा कल, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, और आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है कि मैं कौन सा व्लॉग बनाती हूँ, इसलिए जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन जो है वो खुद ब खुद मिल जाए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।